अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वेलकम टू माय चैनल पॉली सब्जेक्ट लेक्चर्स। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट इम्प्लिकेटर। व्हाट इज इम्प्लिकेटर? इम्प्लिकेटर इज अ टर्म इन प्रैग्मैटिक्स एंड इज सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक। इम्प्लिकेटर क्या है कि प्रैग्मैटिक्स की एक इस्तलाह है और सब फील्ड है किसका? लिंग्विस्टिक का। प्रैग्मैटिक्स की मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्रैग्मैटिक्स का आपको पता है कि ये स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग्स होता है। मींस के जो मीनिंग हमें एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं वो इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली जो है वर्ड्स में उनका मीनिंग जो है वो एनकोड नहीं किया गया होता। फॉर एग्जांपल बेबी एंड टॉडलर सेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ऐसा बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे बेचने की कोई बात हो रही है, लेकिन इन डीड जो है प्रैग्मैटिक्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे बच्चों के कपड़े बेचने की बात की जा रही है, बेबी एंड टोडलर सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनविजिबल स्टडी होती है किसकी? मीनिंग्स की, प्रैग्मैटिक्स। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इम्प्लिकेटर। एन इम्प्लिकेटर इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। इम्प्लिकेटर क्या होता है? जैसे मैंने आपको प्रैग्मैटिक्स में कहा कि इनडायरेक्टली जो है बात को कन्वे किया गया होता है, तो ये इम्प्लिकेटर क्या है? इम्प्लिकेटर भी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इट मीन्स डैट द मीनिंग एक्सप्रेस बाय द स्पीकर इज समटाइम्स नॉट डायरेक्टली इनकोडेड इन वर्ड्स। के समटाइम जो स्पीकर हमें मीनिंग्स जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है, हमें कन्वे कर रहा होता है, उनका जो मीनिंग होता है ना वो डायरेक्टली एनकोड नहीं होता, डायरेक्टली हमें लिटरली हमें वो वर्ड जो है वैसे नहीं एक्सप्रेस किए जाते जैसे उनका मीनिंग होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इम्प्लिकेटर इनडायरेक्ट स्पीच होती है। सो चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। है नंबर वन है ए पॉइंट कहता है हैज़ गेस्ट अराइव्ड, तो बी कहता है देर इज़ अ रेड कार इन ड्राइव वे। मीन्स कि उसने इनडायरेक्टली कहा कि आ रही है, ठीक है, कि जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, कि उनकी जो कार है वो ड्राइव वे पे है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो ए है कॉलम, वो कहता है हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो बी कहता है यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला। अब यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वेदर को उसने पूछा तो उसने कहा कि आपको अपनी अम्ब्रेला लानी चाहिए, तो इट्स मीन कि बारिश हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट, कि जो हमें थॉट्स दी गई, ओपिनियन दी गई या कोई भी हमें मीनिंग एक्सप्रेस किया गया तो वो क्या होगा? इनडायरेक्टली तौर पर किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विल हुज़ैफा बी एट द मीटिंग दिस नाइट, तो नेक्स्ट बी कॉलम क्या कहता है? हिज कार इज़ ब्रोकन, तो इट्स मीन कि वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, हुज़ैफा क्या है? वो नहीं आ पाएगा मीटिंग पे, तो इट्स मीन ये इनडायरेक्टली मीनिंग जो है वो कन्वे किया गया है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, तो बी कहता आई एम सफरिंग इन फीवर, इट्स मीन कि वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसे बुखार है तो वो नहीं जा पाएगा। इस वजह से जो है इम्प्लिकेटर का मीनिंग ये हुआ कि ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है, मींस कि जो भी मीनिंग, जो भी मैसेज होता है वो डायरेक्टली तौर पे कन्वे नहीं किया गया होता, बात वही होती है लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे कन्वे की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। So dear students, if you like our video, please comment, share and press bell icon. Thank you so much.